बातों को। ये किसकी पहल दिखा रहे हैं मुनव्वर के पास? ये तुम्हारे मेरे अकलौते सहकार मुनव्वर है या कोई उठाई गिरा लफंगा या पत्तेबाज? जवानी में सभी ऐसे होते। मैं नहीं हुआ मुनव्वर की माँ, न मैं अपनी औलाद को ऐसे होने दूंगा। हमारे खानदान में सिपाही हुए हैं, पहले कलम हुए हैं। मैंने सुना है आजकल हमारा सपूत गाने बजाने में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। याद रखो, अगर ये बात सच हुई तो मैं जबान के बजाय बंदूक से काम लूंगा। तौबा है मुनव्वर के अब्बा, आपको तो मेरे सीधे साधे मासूम बच्चे की हर बात से चिढ़ हो गई है। मासूम और मुनव्वर? हाँ भाई, शहर में दो ही तो मासूम रहते हैं, एक मुनव्वर और दूसरा उसका बुलडोजर दोस्त नन्ना। 440 वोल्ट आपके शहर में हस्ती का की बिजली। बिजली मुनव्वर है घर में? क्या नाच गाने की महफिल में जाने का इरादा? तौबा कीजिए अंकल, हमने तो नाच गाना बिल्कुल छोड़ ही दिया हुआ है। वो दरअसल शहर में मौलाना बिजली आए हुए हैं जी, और वो लोगों से खिताब कर रहे हैं, वो यतीम खानों के लिए चंदा वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, इस वजह से मैं पूछ रहा था। अगर तुम सच कह रहे हो तो ठीक है, वरना मैं तुम दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। अंकल आप तो फूंक से उड़ा सकते, गोली क्या चीज है। मुनव्वर, शहर में एक नया थिएटर है, आने दो। उसमें एक जीती जागती कयामत की चीज है, लड़की। यार हमने थिएटर देखने जाना है, वाले साहब को नाच गाने से नफरत है। तो वाले साहब को मत ले जाओ ना, हम दोनों चलेंगे। याद रखिएगा। क्या? वाले साहब का हाथ, जूता और पांव तीनों भारी है। मैं खुद इन तीनों चीजों से भारी हूँ, और जूते वूते को तो तुम्हें पता है कि आदि हो चुके। लड़की का नाम पता है क्या है? बिजली। बाप का नाम? बादल। माँ का नाम? अंधेरी। ये मुझे मालूम नहीं है। हाय हाय हाय, क्या बिजली है। देखती है तो यूं पता चलता है कि दिल पे बिजली कौन गई। 440 झटके पे झटका, झटके पे झटका। अबे वो झटका जरा आहिस्ता, ऊपर से वाले साहब का भी है खटका। अच्छा तो ठीक है, एक थिएटर देखने चलेंगे, लेकिन एक शर्त पर। क्या? टिकट तू खरीदेगा? टिकट मैं खरीद लूंगा, लेकिन पैसे तू देगा। क्या बकवास कर रहा है। चलो ठीक है, मैं टिकट खरीद लूंगा और तू पैसे दे दे। यार मेरे पास पैसे कहाँ है, तू अपनी वालदा से ले लेना। तो कैसे वालदा से ले लूं? पिछले हफ्ते मैंने अपने वालों को बताया कि देखो मेरे दोस्त की नानी फौत हो गई, मुझे 50 रुपए मिले। फिर मैंने कहा नाना फौत हो गए, मुझे 50 रुपए मिले। फिर मैंने कहा उसकी माँ फौत हो गई, मुझे 150-150 रुपया वसूल कर चुका हूँ। यार ऐसा कर, चारों का कुल करा दे। अबे बेवकूफ, 40 दिन के बाद कुल होता है। पैसे मिल सकते हैं? मिल सकते। कैसे? कैसे? तुझे मारना पड़ेगा। यार बिल्कुल। अबे बेवकूफ, तेरे मरने की खबर दूंगा तो रेट डबल हो जाएगा, जनाजा डबल है ना। तो अगर मैं मर जाऊंगा तो थिएटर तेरा बाप देखेगा? कौन देखेगा थिएटर? ये तो है। नहीं यार देख, मुझे सचमुच नहीं मानना, मैं थिएटर देखना यार। ये नकली मौत है, बहाना है, तो फिर कोई और तरीका बता। तू ना मुझे मारने की जरूरत ही नहीं।
बिजली को मिला दो, वो तुझे लिफ्ट नहीं देगी। मैं हाले दिल सुनाऊंगा, वो तेरी बकवास भी नहीं सुनेगी। अगर वो फनकारा है तो इस फनकार की बात जरूर सुनेगी। क्या मतलब है, तू गाएगा? गाऊंगा। हाय सादगी में बनावट भी है पुरकारी भी, आज किस किस को मिटाने की कसम खाई। अभी तो रोटी भी नहीं खाई बिस्मिल साहब। हुजूर हुक्म कीजिए, आपके लिए दो चार इंसान मंगा दूं। जी नहीं, सिर्फ एक गोलगप्पे की प्लेट। गोलगप्पे? आज हम बहुत खुश हैं, किसी बड़े होटल में डिनर मांगिए, है लाख दो लाख तलब फरमाइए। सर दोनों जान आपसे मिलने आए हैं, कहते हैं अगर मुलाकात का मौका ना दिया गया तो हम फटा करेंगे। फटा? क्या ये शहर फिर छोड़ना पड़ेगा? कहीं वो इस इलाके के दादागीर तो नहीं? बुला लीजिए, दादागीर पैदागीरों से मिलने आए हैं। आप कहते हैं तो बुला लेते। सेक्रेटरी? यस सर। मंगाओ। गलत कुछ ज्यादा ही लग गया है बिस्मिल साहब। अभी दूर हो जाएगा। फरमाइए। नाम बताइए। काम बताओ। पहले नाम बताइए फिर काम बताएंगे। चिराग बीन बिस्मिल। तो आप हैं बिस्मिल साहब, यानी कि बिस्मिल थिएटर के मालिक। इनसे मिलिए, ये है वो इंसान जिसे लोग फनकार कहते हैं। ये फनकार गुलकार है, मौसीकार है, नगमा निगार है। और शायद इन दिनों बेकार। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वालिद साहब के पास कार है, अगर बच्चों को स्कूल भिजवाना है तो मंगवा लीजिए, बात कर लेंगे। मेरा मतलब ये है
कि इस इंसान के अंदर फन की आग भरी हुई है, एक सुलगता हुआ अंगारा है, ये एक फन की अंगीठी है। तो फिर इन्हें किसी फायर ब्रिगेड स्टेशन पर ले जाइए। देखिए मजाक मत कीजिए, आप कुछ सुन तो लीजिए। चौकीदार एक फनकारा के सामने एक फनकार की बेइज्जती, चौकीदार को बुलाया जा रहा है और आप खामोश हैं। देखिए आप हमारी सिफारिश कर दीजिए तो आता देता बड़ा टहका है जरा प्लीज। बिस्मिल साहब हर्जी क्या है, सुन लीजिए ना आप। अच्छा अगर आप कहती हैं तो सुने लेते हैं। सुना चलिए आइए। आज से वही होगा जो अब्बा जान चाहेंगे। माँ खुदा के अब्बा को कह दो मुझे एक बात माफ कर दो। क्या होगा? माफ कर देना मुनव्वर के अब्बा। अब ये इसकी आखिरी माफी होगी मुनव्वर की माँ। थैंक यू डैडी। तू कमरे में चल, मैं तेरे लिए खाना भेजती हूँ। और हाँ, सात दो अंडों का आमलेट। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुनव्वर साहब को बुलवाइए, मैं उन्हें साथ लेकर जाऊंगी। और से बात कर लड़की, वो तेरे साथ नहीं जाएगा। वो पैदाइशी फनकार है, मैं उन्हें स्टेज का हीरो बनाऊंगी। मैं उसे और तुम्हें गोले से उड़ा दूंगा। मुनव्वर को बुलाइए ना। हेलो मिस्टर बिजली। हेलो मुनव्वर। हेलो बिजली के बच्चे, नाम आपको बैगिन। आप इस यंग लेडी के सामने मेरी तोहीन नहीं कर सकते। मुनव्वर, वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। मैं अभी इसी वक्त इस घर में बदल करूंगा। मैं किसी के साथ आपका हाउस में रहा, तो फिर याद रखो मैं अपने खानदान की इज्जत को ठोंके लगाने नहीं देता। मैं स्टेज पर आकर तुम्हारी जिंदगी का चराग हमेशा हमेशा के लिए गुल कर दूं। आप चराग गुल करने के लिए आए तो मैं
मेरे हाथ में लाल डायल, और अगर आपने उसके चिमनी तोड़ने की कोशिश की तो याद रखिएगा, इस बिजली की रोशनी में मैं अपनी आईंदा सारी जिंदगी बसर कर दूंगा, चाहे वो लाइट हो चाहे डिम हो। मुत्तई ना बुरा चाहे तो क्या होता है, इससे पहले कि आपकी छड़ी हरकत में आए मैं हमेशा हमेशा के लिए यहां से चला जाना चाहता हूं। खुदा हाफिज़। जिसके लिए मैं कत्ल हो रहा उसे एक बार फिर देखना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू वेरी मच। देखा जो हुस्ने यार तबीयत में चल गई, तबीयत में चल गई, आंखों का था कसूर छुरी दिल पे चल गई। देखा जो हुस्ने यार तबीयत में चल गई, तबीयत में चल गई, आंखों का था कसूर छुरी दिल पे चल गई। ओ यार यार गुल या कलबी, तेरी नजर ने दिल में मोहब्बत भर दी है। प्यार से मुझे का देखने वाले कैसी हालत कर दी है। देखा जो हुस्ने ओए होए, देखा जो हुस्ने यार तबीयत में चल गई, तबीयत में चल गई, आंखों का था कसूर छुरी दिल पे चल गई। ओ यार यार कुल या कलबी, ओ यार यार कुल या कलबी। बिछड़े हुए दिल आज मिले। देखा जो हुस्ने ओए होए, देखा जो हुस्ने यार तबीयत में चल गई, तबीयत में चल गई, आंखों का था कसूर छुरी दिल पे चल गई। ओ यार यार फुल या कलबी।
साए चलूंगा चाहत राह दिखाएगी जब जब तुझसे आँख मिलेगी मस्ती सी लहर आएगी देखा जो हुस्न देखा जो हुस्न यार तबीयत मचल गई आंखों का था कसूर छुरी दिल पे चल गई ओ यारा यारा पुल या कलबी ओ यारा यारा पुल या कलबी जियो बिजली खाब में आई और रास्ता दिखा गई अब तो मैं दोबारा जिंदा हुआ हूँ अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता बिजली में आ रहा हूँ बिजली में तेरा नाम हाफिज ऐ अमरियत पसंद बाप तेरा खुदा हाफिज ऐ औलाद पसंद मां तेरा खुदा हाफिज तेरा भी खुदा हाफिज हाफिज खुदा तेरा अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं इसलिए घर से क्यों तुम्हारी बैटरी डाउन हो गई नहीं अगर बैटरी डाउन भी हो जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं इसलिए कि पावर हाउस मेरा दोस्त है तो फिर इस पावर हाउस को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिजली घर यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है कहीं चले गए जहाँ भी जाएगा हम उसका पीछा करेंगे वहीं पहुँच कर रहेंगे बिल्कुल ठीक है पहले फिर घर चलो बाजा साथ ले लो हाँ ठीक है तो बाजा साथ ले लो न जाने किस मकाम पर पेट की खातिर तुम्हें कहीं जाना है आओ बकवास करो अब इन चीजों की जरूरत नहीं है मुनव्वर की माँ मुनव्वर नाश्ता नहीं करेगा तुम्हारा मासूम सूरत और शैतान सीरत बेटा इसका जवाब था क्या कर दिया तुमने मुनव्वर वही जो अक्सर नालायक औलाद किया करती है खुदा के लिए उसे ढूंढ रही है अचानक कहाँ भटकता फिरेगा घर से भागना बहुत आसान है मुनव्वर की माँ मगर खुले आसमान के नीचे पाखों से जंग करना बहुत मुश्किल है और ठोकरे खाने के बाद एक न एक दिन घर जरूर वापस आ जाएगा माँ तेरे बगैर जिंदा न रह सकेंगे बेटे माफ करना भाई चूजे कापड़ा है जब बकवास कर रहे हैं मुझे बहराम मत कर था खाब में बिजली को देख रहा था बातें कर रहा था बस बिजली से किसी दिन चिमट जाएगा तू जान मुंह के बच्चे ए मोटी तू कौन सी चक्की का पिसे खा रहे हैं चक्की का तो आजकल मिलता ही नहीं डीपो का खाता हूँ ईमान से चार मन चर्बी निकले तेरे में से तूने पूरे तलने
मेरे ख्याल में 20 रोटियां तो तू खा जाता होगा। तुझे क्या, मैं जो कुछ भी खाता हूँ। सुखी मुखी नाम नहीं है मेरा, मेरा नाम तो नाजो है, नाजो। मेरा नाम नन्ना है। नन्ना, इतना मोटा नन्ना। बाबा बाबा, तूने कुछ सुना? चार आदमी जैसा एक नन्ना। तो चुप भी रहेगी कि नहीं? क्या बकवास कर रहा, आराम से सो जा, तू टिकट चेक करने आ गया। तेरी शादी हुई है या नहीं? नहीं हुई, होगी भी नहीं। क्यों? इतने मोटे को कौन पसंद करेगा? तू मुझे क्यों छेड़ रही है? तू अपने बाप से बात कर बस। तू मेरे घर चलेगा? क्यों? आठने दूंगी। तू मुझे वहां ले जाके क्या करेगी? सुन तो, मेरी सहेलियां जब तुम्हें देखेंगी ना तो बड़ी खुश होंगी, उन्होंने आज तक इतना मोटा पपलू नहीं देखा होगा। अरे ओ भाई कंडक्टर, अरे भाई जरा झगड़ा रोकियो। शाबाश से बेटा, चल छोरी। अच्छा बाबा। फायदे में रहेगा, चल मेरे साथ। इस तरह कर, चल तू 12 ने ले लियो। नहीं बाबा फरहाद। वालेकुम सलाम, तुम लोग यहाँ कैसे आए हो? दादा, मेरे दोस्त पर दिल का दौरा, बहुत सख्त तकलीफ में है, हकीम ढूंढते फिर रहे हैं। हकीम? हाँ जी। यो शक्ल से तो बीमार नहीं लगता। शक्ल से तो तुम बीमार लगते हो चिबड़े। देखो भाई, रंग लिफाफे, बीमारी अंदर है, पिछले कमरे में। यो तो पला पलाया तुम्हें, दो टाइम पूरा कबीला खाए तो नहीं बच रहेगा। ये इंसान भी खा जाते? इंसान की बात करता है, ये कुत्ते बिल्ली नहीं छोड़ते। सरदार, ये आदम खोर है क्या? नहीं नहीं, ये मेरी बेटी का मंगेतर है। मेरी नज्जा से दो चार दिन में छत्ती हो जाएगी। होश कर नन्ने, होश कर सरदार, खुदा के लिए हकीम को बोलो, वरना मेरा दोस्त कुत्ते की मौत मारा जाए। नहीं मुन्ने, मैं तेरी मौत मरना नहीं चाहता। मुझे भाग कर जाओ, अवैध को लेकर। खुदा के लिए जरा संभल के, अगर तू गिर गया तो कारपोरेशन का ट्रक भी तुझे नहीं उठा सकता। देख मेरे जान, तूने गलत जगह पेश लड़ा लिया है, तुझे ग्रहण लग जाएगा। अब भी वक्त है, अपने इश्क के कागजात नामजदगी वापस ले लो। मुन्ने, तू हरामजदगी ना कर। मेरे बाबा, ये कागजात वापस नहीं हो सकता है। देखो, इसका अंजाम बुरा होगा। होने दे। देख, तेरी हवा निकल जाएगी। मैं और भरवा लूंगा। देख, पहले तुझमें 25 पाउंड फट जाएगा। तू नहीं कटूंगा, ट्यूब नहीं डलवा लूंगा। ट्रैक्टर की ट्यूब बहुत महंगी है। खामोश, ट्वाल ट्यूब के बच्चे। तेरे बिना यूं घड़ियां बीते। बस बस बस, ओए शायरों के गांव तक ये बंद कर, ये बकवास, और चल मेरे साथ वापस। चल, अगर मैं यहां से वापस जाऊंगा तो सिर्फ नाजो की डोली लेकर, वरना यहीं पे किल्ड। मेरी प्यारी नाजो। क्या है रे? ले पुड़िया फाड़ कर दूध पी जा। दूध मैंने छोड़ दिया, अगर मुझे कुछ पिलाना चाहती हो तो जहर कातिल मंगवा दो। तुम मरना क्यों चाह रहे? बता दो। हाँ? अरे सोच कर जवाब दे ना। गलत बात, कत्ल भी करवा दिया करती है, और ये इतनी बड़ी लाश मैं कैसे उठाऊंगा? तेरा बाप उठाए? जानी जनाब, प्लीज गेट आउट। जिन्हें मैं जाऊं? जाओ अभी, जाओ अभी। ठीक है ठीक है, बोल रहे बिल्कुल ओके ओके। बेटे मोहन और बेटे
क्या जमाना आ गया, भैंस अंदर इश्क कर रही है और कट्टे को बाहर भेज दिया है। नाजू ये हाथ यही रहने देना वरना मैं मर जाऊंगा। नाजू मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अगर तुमने मेरे से शादी ना की तो याद रखो मैं जिंदगी दे दूंगा, अपनी जान दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा। नाजू मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं तू मत रो मोटे, अल्लाह तेरे पे रहम करेगा, मैं तुझे मरने नहीं देती। दुआ कर मेरा मंगेतर मर जाए। अल्लाह करे कि उसे इन्फ्लुएंजा हो जाए। आमीन। अल्लाह करे उसे हैजा हो जाए। अल्लाह करे, अल्लाह करे वो अंदर हो जाए। मंगेतर और फादर आ रहे हैं भैयो। क्या हुआ छोरी? हाय रे बाबा गजब हो गया, ये परदेसी मोटा तो तबाह बर्बाद होने वाला है। बात होने वाला है? मुझसे मोहब्बत हो गई है, अगर मैंने इससे सारी न करी तो ये मर जाएगा। यो क्या बकवास कर रही है चाचा? अरे चीखता क्यों है, अब तो मैं अपने बबलू से शादी करूंगी। मैं इसका मंगेतर हूँ चाचा। चाचा ये इसका मंगेतर है? हाँ मुझे तो हिप्पियों की सुल्फी लगती है। जब एक छोरी के दो चाहने वाले हो तो फैसला मुकाबले से होता है। मुझे मुकाबला मंजूर है। मरवा दिया हाथी के बच्चे, किस चीज से लड़ेगा? खंजर था कुकड़ोही। अरे बुल्ला मैं क्या बोलूं? क्या तो कुल्हाड़ी थे? हाँ नन्ने कुल्हाड़ी कह दे, तेरे लिए बहुत मुफीद है, बड़े अच्छे टोटे होंगे तेरे। अबे अबे कुल पे अड़ गया, कुल हो जाएंगे, आगे फिक्र पूरा कर दे। कुल्हाड़ी हाँ तो बस ठीक है, मुकाबला आज ही होगा। चलू तू तैयारी कर, जल्दी सॉरी जाओ, चलना जाओ जाओ जाओ, मुकाबले की टिकटें खोल लो, कनाते भी लगा दो। अबे नन्ने कब्र में उतरने से पहले अपनी वसीयत तो बता दे। बता दो पूरी करेगा? हाँ यार ये मुकाबला तू लड़ ले। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्या बकवास कर, अगर ये मुकाबले में जीत गया तो शादी मुझे करनी पड़ जाएगी। हाँ ये ठीक है बिल्कुल, शादी क्या बकवास कर, इसलिए तो कह रहा हूँ अगर इश्क सच्चा है तो मुकाबला कर वरना पेट बन। यार इश्क तो सच्चा है लेकिन पेट भी जरूरी है। चलो फिर बुजुर्ग खान क्या मतलब, मैं कहता हूँ भाग चलो। बाथरूम तुम मुकाबले के बगैर कहीं नहीं जा सकते। ठीक है यही कर लेते, तुम नहीं ये करेंगे टुकड़े और मैं इकट्ठे करके ले जाऊंगा। हाँ चल मुकाबले के लिए तैयारी कर। आला बदोशों के मुताबिक जश्न शुरू किया जाए।
ठहराई। किसी किसी को समझाऊं पांच मन के नन्ने उठा कुल्हाड़ी जा बेटे सूली पे चढ़ जा। पहला तू करेगा। नहीं भाई जान आप ही करेंगे सब कुछ। बिल्कुल ठीक है और तू सिर्फ इश्क करेगा। अबे वार कर बे। अरे जी छोटा ना कर मोटे जीत तुम्हारी होगी। हाँ अच्छा गिरे हुए का बार करना पूछ लिया जानू। शाबाश मेरे पप्पू। मेरी क्लास फेलो थी वो मुझे रक्षा पे बिठा के यहाँ छोड़ गई। तो जल्दी से चला जा वरना जानू तुझे जान से मार डालेगा। जानू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाजो मैं तेरे बगैर जिंदा कैसे रहूंगा। मेरी अब शादी हो गई है ना। मेरा मतलब हो रही है ना। शादी हो रही है ठीक। मैं वापस जाकर खुदकुशी कर लेता हूँ और अब के मैं तैरूंगा भी नहीं। मेरी लाश नु भी मछलियां ही खानी है। ना ना रुक जा मैं भी तेरे साथ चलूंगी। दोनों इकट्ठे मरेंगे ना। ओ पागल दे पुत्र अगर तूने मेरे साथ ही चलना है तो फिर मरने की क्या जरूरत है। जल्दी से ये कपड़े उतार और दूसरे पहन। अच्छा, तू यही थे मैं भी आई। दस्तूर के मुताबिक अब उसका इस कबीले से कोई ताल्लुक नहीं। अगर वो यहां आए भी तो कत्ल कर दी जाएगी। नन्ने ये नाजुक भूखी बकरी तरह परकू परकू कर रही है। ऐसे खा रही है जैसे इसके प्यू का होटल है। बिल्कुल ख्याल किए बगैर। पता है
माँ के 100 रुपए में से 5 रुपए 12 ने बचे। यही तो मैं सोच रहा हूँ। वैसे नन्हे होटल सस्ता है। हाँ मेरे ख्याल से ज्यादा बिल नहीं बनेगा। वैसे दिन में 3 मरतबा भूख लगती है यार। रोटी बोटी बगैर पैसे के मिलती भी नहीं। यार काश मैं अब्बा की सुगड़ी में से कुछ पैसे चुरा ले। यार पिछली बातों को भूल गया। भूल गया अब की सोच। सोच लिया क्या है ना हमारे पास 3 चीजें। कौन कौन? बाजा बाजा घुंगरू घुंगरू। अरे इनकी तरकीब इस्तेमाल वो ऐसे है कि मैं गाऊंगा तू गाए तू बाजा बजाए बजाऊंगा नाजो नाचे नाचे कमाई करे कमाई करे तू कमाई खाए मैं कमाई खाऊं। ये ना बोल नाजो नाजो नाचे की ये कमाई करेगी मैं कमाई खाऊंगा मैं कमाई खाऊंगा। आई एम विद यू। थैंक यू। लेट अस गो। दुहाई है दुहाई अल्लाह दिल गया रे हाय मौला दिल गया रे हाय अल्लाह दिल गया रे हाय मौला दिल गया रे। चार हुई आंखें
अल्लाह दिल गया रे, हाय मौला दिल गया रे। ये क्या हो रहा है बिजली? बिजली अप डाउन हो रही। बहुत दिनों के बाद सही नाचने का लुत्फ आया है बिस्मिल साहब। टक्कर की बात थी, A1 मुकाबला। बिजली तुम ये ना भूलो कि तुम बिस्मिल थिएटर की हीरोइन हो। ऐसे थर्ड क्लास लोगों के साथ फुटपाथ पे नाचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बिस्मिल साहब, आप इसे कोठे पे नहीं जाना चाहते, बकरा खाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ अपनी जबान को लगाम दीजिए। ये आम का थिएटर है, बिस्मिल थिएटर नहीं। अपनी हद में रहकर बात करो, ज्यादा फैलने की कोशिश ना करो। आप अपनी हद के आगे तार लगवा ले। ये बहुत बड़ी फनकारा है। देखिए बिस्मिल साहब, फनकार बड़ा छोटा नहीं होता। आदमी या तो फनकार होता है मेरी तरह, या बिल्कुल बेकार होता है आपकी तरह। तुम कहे के फनकार हो? हारमोनियम पर उल्टी सीधी उंगलियां चलाना और बेसुरी आवाजें निकालना और लौंडियों को फुटपाथ पे नचाने का नाम फन नहीं होता। ए, ए, जबान बंद कर अपनी। अगर तू इतना बड़ा फनकार है तो आ मेरे साथ नाच। तुम चुप करो नौटंकी। 20-25 मील होगा तो तू अपने घर होगा। हाँ चलो बिजली, आज हम सरे बाजार जलील हुए। इब्तदा आपने की थी, आपने उन्हें थर्ड क्लास कहा और उन्होंने आपको जवाब दे दिया। इब्तदा आपने की थी ना, आप उनके साथ आड़ा चौताला लगाती और ना नौबत यहाँ तक पहुँचती। तो इसका मतलब है कसूर मेरा है? बेशक, ना आपको अपनी इज्जत का ख्याल है और ना दूसरों की। बिस्मिल साहब आहिस्ता बात कीजिए, मैं गुस्सा और नफरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहाँ जा रही हो बिजली, बात तो सुनो। दीवारों से बात कीजिए, मैं अपना मूड ठीक करने जा रही हूँ। घड़ी तो देती जाओ। यस सर, हमने दीवारों से बातें करनी है, तुम बिजली के पीछे जाओ। ओके सर। फैशन बोलता है फैशन, इतने गज कपड़ा लिपटवा दिया और कहता है साड़ी बांधी है स्टाइल। तो वो लोग समझेंगे कि पेंटू है। समझ कर चलो, वरना लोग समझेंगे लड़की रॉबर्ट इस्तेमाल करती है। चलो चलो चलो। दलील कमीने, देख के चलते हैं। औरतों पर हाथ उठाते हो? उसका नजू भूख। हाय भूख, मुझे भूख लगी है। उन्हें मुझे थप्पड़ मारा, मुझे भूख लग गई है। थप्पड़ में चूरन था? नाजुम मत घबरा, तुझे अभी रोटी मिल जाएगी। ये देख तेरे पास तंदूर है। चीज अच्छी है और अकेली है। मैं इस बदतमीजी की वजह पूछ सकती हूँ? ये बदतमीजी नहीं, ये तकल्लुफी। शराफती से उठ जाते बेहतर होगा, वरना गोली मार देंगे। बंदा बेशरम ना हो तो एक थप्पड़ ही काफी होता है। शायद हमें जानते नहीं। किस मुल्क के बादशाह हैं आप? इस इलाके में हमारा हुक्म चलता है। चलने दीजिए और आप भी चलते फिरते नजर आइए। आपको भी साथ लेकर जरा घूमने। ना 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 ना, गैरतमंद भाई जवान बहनों को लेकर नहीं घुमा करते। हेलो, कौन हो तुम? बाबा आदम का पोता, अशरफुल मखलूकात, खादिम को खुदाई खिदमतगार कहते हैं। इस लड़की को कहाँ ले जा रहे हो? जहाँ हमारी मर्जी। ये चाकू असली है? चलाना जानते हो? हाँ। तेज करना भी जानते? किराए पर लाए? ये मेरा अपना है। इसका मतलब ये है कि वजीराबाद में तुम्हारे मामू की दुकान है चाकू छुरियों का। छोड़ दो लड़की को और चाकू चलाओ, अभी पता चल जाएगा तुम गला काटना जानते हो या कंधे काटना। चलाओ चाकू। Oh, my God.
चाय का बिल मत दीजिएगा। पांच नंबर टेबल का बिल काट यार, ये देखो हम क्या यार आठ में दे मारे किसका जा रहे हैं। देखो बहन के घर में भाई कुत्ता, आप ड्राइंग रूम में बैठे। आप जाए के साथ पेज पसंद करेगी या फिर हेलो पर्सन लेडीज पर्सन। दरअसल बात यह है पे कौन न मर जाए ऐ खुदा। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। जंग खत्म हो गई, चलिए वापस चलिए। पहले इनका शुक्रिया अदा कीजिए, इन्होंने मेरे खातिर बदमाशों से टक्कर ली है। हाँ, स्पेशली हमने किसी को कोई टक्कर नहीं मारी, इसलिए कि हम इंसान हैं, कोई भेड़ू नहीं। और रहा इनका शुक्रिया कबूल करें, ये नहीं हो सकता, इसलिए कि हमारे इनकी लगती पत्ती। मैं तो भूल ही गई, आपका इनका आज ही तो फड्डा हुआ था। चलो बिजली। हाँ जाओ बिजली, वरना फेल हो जाओगी। आप इसी होटल में ठहरे हैं? जी हाँ, इसी होटल में रूम नंबर 36, जिसके दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं दोस्तों के लिए। ओके बाय बाय। मार डालो। मैंने यूं लगता है जैसे मुझे इस बिजली का झटका खाना पड़ेगा। मुन्ने झटका मत खाओ, हलाल करके खाओ। कुछ भी है, नन्ने लाइन मिलती नजर आ रही है। ख्याल से मिलाना, कहीं पुलिस लाइन न मिल जाए। तो फिर क्या हुआ? क्यों बेवकूफ, पुलिस वाले इंसानों को पकड़ते हैं, भैंसों को नहीं। सॉरी। ये बिल। हाँ हाँ, ये बिल बिजली घर भेज दो। ये लॉन्ड्री का बिल है या नल का बिल? नहीं नहीं, ये ट्यूबवेल का बिल। ओह आई सी। जी नहीं, ये फसाद के दौरान टूटने वाले सामान का बिल है। सन 47 का फसाद। अबे नहीं बेवकूफ, ये 65 की बात है। हाँ जो अभी फाइट हुई है। जी हाँ, वेरी गुड। Yes? हाँ, मिस बिजली की एक मुस्कुराहट के बदले ये बिल अदा कर दो। देखो फिक्र मत करना, मैं तुम्हें नया जोड़ा बनवा दूँ। थैंक यू मैनेजर। यस सर। साहब के कपड़े उतार। मिस्टर मैनेजर। यस सर। कितना बिल है? 600 रुपए। 600 रुपए। आपको मालूम है कि लड़ाई दो पार्टियों में हुई थी। जी, इसलिए आधा बिल उस पार्टी को जाएगा और आधा हमें। जी ऐसा करो कि 300 रुपया हमारे अकाउंट में लिख दीजिए। एंड कीप द चेंज।
थिएटर फील ऑफ हो गया। सेक्रेटरी यसन और तो शरीफ किस्म के गुंडे और बदमाशों का इंतजाम। कुछ दहशत पसंद अनासिर को तलाश करो, हम उन्हें मुंह मांगी दौलत देंगे। मगर काम क्या लेंगे उनसे सर? नन्हे और मुनव्वर को बड़े प्यार से गोली मरवा दो। बिस्मिल साहब जनाब, ये फनकार गोली और गोले से नहीं मरते। फिर क्या, बिजली के झटके से मरते हैं? बिजली, कोई तरकीब बताओ, हम तबाह हो चुके हैं। ये मखलूक तो मीठी जुबान पे मर जाते हैं। खुदा के लिए मेरे सर से इस सजा को टालो। इसका एक ही तरीका है। वो क्या? आप उन्हें अपने थिएटर में मुलाजम रख लीजिए। वो हमारी मुलाजमत करना पसंद नहीं करेंगे बिजली। मैं उन्हें राजी कर लूंगी। तो फिर इसका आज ही इंतजाम किया जाए। तो फिर चलिए मेरे साथ होटल। गाड़ी का इंतजाम करो। सर गाड़ी तो बिक चुकी है। तो फिर हमारे लिए किसी रेड़े का इंतजाम किया जाए। मिस्टर मैनुअल, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंगला थिएटर। यस। बिस्मिल थिएटर के मुकाबले में हमारी आमदनी 2,703 रुपए 95 पैसे। है ना मियां? अगर ये आमदनी 2 लाख भी हो जाए तो हमें कोई दिलचस्पी। क्यों, पाकों से मोहब्बत है क्या? पाकों से नहीं, उससे मोहब्बत है जिसकी खातिर हम घर से निकले, दरबदर हुए, खाक बसर हुए, बेड़ा गर्क हुआ। अरे ओ, वो 20-25 मील आया है। तो तुमने मीटर लगवाया हुआ है? 20-25 मील आया। आइए मिस बिजली, वो आए हमारे घर में। खुदा की कुदरत है, कभी हम अपने आप को कभी इनको देखते हैं। बिस्मिल साहब, आपसे बात करने आए हैं। मिस बिजली, हम इस काबिल कहाँ? अरे कहाँ ये, कहाँ हम, कहाँ जमीन, कहाँ आसमान। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है मुनावर साहब। हाँ, कुछ चेहरे से शर्मिंदगी टपक तो रही है। हाँ टपकती है तो टपकने दो, टपकने वाली चीज का गम क्या करें। आप लोग चाहते क्या है बता दीजिए बिस्मिल साहब। हम ये चाहते हैं कि आप लोग फुटपाथ की जिंदगी छोड़कर हमारे थिएटर को रौनक बख्शें। बजाय इरशाद, लेकिन बिस्मिल साहब आपकी इत्तला के लिए फुटपाथ पर हमें कारपोरेशन वाले कतई तंग नहीं करते। वैसे भी हम आजाद परिंदे हैं। बिस्मिल साहब, हमें फुटपाथ पर खुली फिजा में रहने दीजिए, फड़फड़ाने दीजिए बस। ये ना हो कि हम थिएटर के पिंजरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ये सही फरमा रहे। सुन रही हैं आप मिस बिजली? आप मेरी बात भी नहीं मानेंगे। मिस बिजली, मैं आपकी खातिर सब कुछ कर सकता हूँ। मुंह में से आग निकाल सकता हूँ, कड़े में से निकल सकता हूँ, 72 घंटे साइकिल चला सकता हूँ, हॉकी खा सकता हूँ, आजमा कर तो देख। जी नहीं, सिर्फ बिस्मिल थिएटर में काम कीजिए। बस मुझे मंजूर। थैंक यू, बाकी बातें भी तय कर लीजिए बिस्मिल साहब। इस काम के लिए मैं हाजिर। आप लोग तनख्वाह क्या लेना पसंद करेंगे? मुनव्वर 1500। थैंक यू। नाजो 1000, मैं 2000। अरे तू 2000 क्यों लेगा बे? तुम्हें पता है कि गोश्त कितना महंगा है? मैं अपनी रकम गोश्त के हिसाब से लूंगा। मंजूर है। ये सब कौन है? हुस्न का भड़कता हुआ शोला बिजली। ऐसे है जान सूरत की जोड़ी। ऐसा करो, तुम अपने बेटे के पास चली जाओ। तौबा करो, मैं आपके जीते जिए घर छोड़ने से नहीं। तो आइंदा इस बकबकता तस्करा मेरे सामने न करना। कितनी बेहयाई से इस गैर औरत के साथ चिपका हुआ है। लो फर्क इनको। बाहर चल के गोरी की अदाओं से बाहर चल के निकाले अरे बाबा निगाहों से कुमार चल के गोरी की अदाओं से बाहर चल के गोरी की अदाओं से बाहर चल के हाय निगाहे अरे बाबा निगाहों से कुमार चल के फिरते हैं मजनू के यार बने के फिर
نگاہوں میں جادو نگاہوں میں بجلی نہیں یہ خبر جان جائے گی کس کے نہ پرزے میرے دل کے اتنے بکھیروں خدا کے لیے اپنے جلووں کو روکو سنبھلتی نہیں آپ سے گر جبانی ہمیں بخش دے آپ کی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی گوری کی اداؤں سے باہر چل گئے گوری کی اداؤں سے باہر چل گئے آئے یہ نگاہیں ارے توبہ نگاہوں سے تمہار چل گئے گوری کی اداؤں سے باہر چل گئے بتا دو سرخی پاؤڈر سے کیا کام تمہارا بالوں کو بڑھا کے فیشن میں نہا کے سگریٹ سلگا کے کرتے ہو اشارہ جب اپنی حالت بناتے ہو تم لبوں پہ لپسٹک لگاتے ہو تم جب اپنی حالت بناتے ہو تم لبوں پہ لپسٹک لگاتے ہو تم نظر ہم کو لڑکی اب تو تم یہی گاؤ کیا اللہ کرے اللہ کرے میں بھی دلہن بن جاؤں اللہ کرے میں بھی دلہن بن جاؤں پھرتے ہیں مجنو کے یار بن کے پھرتے ہیں مجنو کے یار بن کے حسن کی کچھ خیرات تو دو اجی حسن کی کچھ خیرات تو دو اجی حسن کی کچھ خیرات تو دو تم جیسا کو کچھ نہ ملے گا پہلے تم انسان بنو پہلے تم انسان بنو پہلے تم انسان بنو کھیلو بابا ہار گئے ہم اب تو کہو جی تم ہو ہمارے اب تو کہو جی تم ہو ہمارے بعد ہوئی اب مان ہی لیں گے بندے ہیں سرکار کے والا وہ بہت ہی بہودہ قسم کا ہونے والا وہ پسند کیا ہے آپ نے وہ تو بہت زیادہ اللہ وہ پیارا ہونے والا ہے یعنی ٹکٹ کٹا کے وہ واپس جانے والا ہے ارے تیرا بیڑا غرق تیرا ستیہ ناس یہ کیا بکواس کر رہا ہے تو رات کی قسم اس کے پھیپھڑے گل چکے ہیں گردے ختم ہو چکے ہیں اور یہ سب شراب کی وجہ سے ہوا ہے شراب کی وجہ سے تو سچ کہتا ہے میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں مس نازو میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا اور بھی موا شرابی کبابی کہیں کا مجھے کیا ہونا ہے تیرے دن نزدیک آ گئے ہیں ہاں پاگل کی بچی تیرے دن نزدیک آ گئے پاگل ہو گئے تو ارے نہیں تیرا درد تو تیرا ہونے والا ہے وہ کس طرح ارے ننے تیرے تو سارے پھیپھڑے گل گئے ارے ہاں تیرے تو سارے گردے بھی خراب ہیں ارے ہاں تیرے بھی تیری ساری گل گئی تو تو مرنے والا ہے نہ میری آنکھیں خراب ہیں نہ میرے گردے خراب ہیں میری صرف نیت خراب ہے اور کلینک کی بچی یہ تجھے اندر کی بیماری نظر کیسے آنے لگی ارے اللہ بیڑا غرق کرے اس کا 20 میل کے چمچے کا اس نے تیرا راز فاش کیا میرے اوپر اچھا وہ ہے ارے ہاں چلا ذرا میرے ساتھ میں نہیں جاتی پھر اور باتیں بتائے گا پھر تیرا چیز کو جلیل کروں گی بکواس کر رہی ہے اچھا ٹھہر جا نازو جو ہے نا بہت جلد ننے کا ساتھ چھوڑ کر میرا دم بننے لگی ارے بھیا آپ تو پرانے شکاری سیکٹری صاحب ہیں بالکل کون ہے برادر اللہ جسے اردو میں بہنوئی کہتے ہیں کیا بکواس ہے کس لیے آئے ہو السلام علیکم وعلیکم السلام میں ذرا ہلکی سی مزاج کرسی کے لیے حاضر ہوا تو غیر حاضر ہو جا موڈ مت خراب کرو
ये क्या है नन्हे मियां? हिटलर के चूचे। हाथ छोड़कर मुंह से बात करो भाई, ये कोई तरीका? ये लीजिए हाथ छोड़ दिया, मुंह से बात करता हूँ। मैं शराब पीता हूँ। आप पीते हो? मेरे फेफड़ों का मतलब आपका क्या ख्याल है? खत्म हो चुके हैं। गुर्दे गल चुके हैं। अंतरियां सड़ चुकी हैं। और तुम अनकरीब मरने वाले। देखना ये है कि हम दोनों में से मरता कौन है। ये क्या? ये आपको अभी पता चल जाएगा कि क्या है। ऐनक के बगैर आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। यूं लग रहा है जैसे स्पेन का नेवला होता है। ये हाथ देखा है मेरा आपने? यार है, अच्छा है ना? जिसके फेफड़े गल चुके हो उसके मुक्के में इतनी ताकत नहीं होती। और पढ़े लिखे डेलो, मेरे फेफड़े खराब है। अरे मिस्टर साहब, और है ये तू आदमी है? नहीं नहीं, मुझे तो तू कोई रेशम का कीड़ा नजर आवे। चले बताओ अपनी हमशीरा को कि मेरी अब सेहत कैसी है। बहुत अच्छी। मैं शराब पीता हूँ? नहीं मैं पीता हूँ। तुम पीते हो? मेरे फेफड़े अच्छे, अंतरियां कायम है, गुर्दे ठीक है। ठीक ठीक। अच्छा रे, तो तू झूठ बोलता रहा? हाँ बहन जी, मैं झूठ बोलता रहा भाई साहब के मुतालिक। मैंने जो कुछ भी आपको बताया है बिल्कुल गलत बताया। अरे भाई जी, तेरा बेड़ा गर्क, तेरा सत्यानाश ली आँखें। ऐसा झूठ कभी ना बोलियो फिर, नहीं तो खूब पिटाई करूँगी तेरी। हाँ ले घड़ी। डर फिटे तुम्हारा, डर फिटे लानत है। अबे मुझे के बच्चे मुझे नींद आ रही है बिस्मिल साहब। आप सो जाइए, हम कंकरी मार के जगा लेंगे। आप जाते हैं या नहीं? चले जाते हैं सरकार। वैसे जवानी में अक्सर नींद जरा वक्त से कुछ पहले आ जाती है। खुदा हाफिज। हेलो, कौन? खादिम को मुनव्वर कहते हैं। हीरो से खादिम कब बने? हाँ, जिस दिन पहली बार मैंने आपको देखा था। अल्लाह आपकी हालत पर रहम फरमाए। फिलहाल आप थोड़ा सा कर्म फरमाएंगे? मैं जी, आप जरा उधर से इधर आ जाइए। अगर पैदल नहीं आ सकती तो रिक्शे पर आ जाइए। सॉरी, रात के वक्त इधर से उधर बिस्मिल की तरफ से कानूनन मना है। तो फिर मैं इधर से उधर आ रहा हूँ, काम बहुत जरूरी है। मुनव्वर, मुनव्वर। कैसे हैं आप बिस्मिल साहब? अल्लाह का शुक्र है। तुम रात को इधर कहाँ जा रहे हो? दरअसल बात यह बिस्मिल साहब, जाना मुझे उस तरफ था और गलती से स्टेयरिंग इस तरफ मुड़ गया वो। क्यों नहीं, क्यों नहीं। गाड़ी रिवर्स करो, गैराज में जाओ, हेडलाइट साफ करो और सो जाओ। जाओ। तो आप रात भर जागते रहेंगे क्या? हाँ यंग मैन, चौकीदार की जिम्मेदारी घर वालों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसका मतलब आप मुद्दतों से जाग रहे? मगर सोते में आंखें खुली रहती हैं। हाँ तो इसमें सर, आज आप आंखें बंद करके सो जाइए। ये चौकीदारी जिम्मेदारी मुझ पर आई होती है, आज मैं अदा करूंगा। आप? यस। क्यों नहीं, क्यों नहीं। चोर और चौकीदार में बड़ा फर्क होता है मिस्टर मुनव्वर। चोर कभी चौकीदार नहीं हो सकता। जाओ जाकर सो जाओ। अच्छा बिस्मिल साहब, सुबह नाश्ते पर मुलाकात होगी। गुड नाइट। अजीब आदमी, कहाँ आ रहा हूँ और आए नहीं। जनाब मुनव्वर साहब अगर सो गए होंगे तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। आजा आजा, कुछ नहीं कहेंगे। बिस्मिल साहब आप तो गोया तीनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। क्या मतलब? मतलब ये कि आप भी कहीं और जा रही थी, गलती से स्टीयरिंग इधर मुड़ गया है। दरअसल नींद नहीं आ रही थी बिस्मिल साहब। हमसे तो आपने फरमाया था कि नींद आ रही है बिस्मिल साहब। आ तो रही थी, मगर आपके जाते ही उड़ गई। फिर दिल घबराने लगा। हाय दिल, तो फ्रेश एयर के लिए आप यहाँ आई थी। मिस बिजली, ये 16 और 20 साल के दरमियान की उम्र होती बड़ी खतरनाक है।
अक्ल काम नहीं करती, और बाज औकात इंसान वक्त से पहले बच्चे खिलाने लगता जी दूसरों के। बस बस आज के सबक यहीं तक रहने दीजिए, बाकी बातें आइंदा। हाँ हाँ। आप किधर से आ गए? हाँ, आपने दरवाजे पर जो चौकीदार नुमा चीज बांध रखी है उससे बचकर जाहिर है मुझे खिड़की के रास्ते अंदर आना पड़ा। चौकीदार की नजरों से बचकर आने वाले चोर कहलाते हैं। जहाँ इस्मिल साहब मुझे ये खिताब दे चुके हैं, हालांकि मुझसे बड़े चोर है। बहुत बड़े खतरे को दावा दे रहे हैं आप। अगर आप बिस्मिल साहब को बड़ा खतरा समझती हैं, तो मैं उस बहरा मुर्दार को और अपने घर के खतरनाक समंदर को अबूर करके यहाँ पहुँचा। ये कब? हाय हाय, जब आप पहली मर्तबा मेरे शहर में आके चमकी। फिर क्या हुआ? लश्कारा देखा दूर से, उसके बाद आंखें बंद हो गई। फिर जब खुले इश्क में मुब्तला था। फिर बाप के जूतों से सुरहरू हुआ। फिर घर बार छोड़ा। अब उन कख नहीं रहा। देखिए मिस्टर, मैंने हजारों दफा स्टेज पर मसनू महबूब से मोहब्बत भरे मुकालमे तो बोले, लेकिन सच्ची मोहब्बत किसी से नहीं की। लेकिन मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। शायद तुम्हें इस बात का इल्म नहीं कि प्यार के रिश्ते मरने के बाद भी नहीं टूटते बिजली। इसका मतलब आप बहुत सोच समझ कर आगे बढ़े हैं। आगे भी उस हद तक मिस बिजली, जहाँ से वापसी नामुमकिन है। क्योंकि हम घर से निकले हैं आंसुओं की तरह, वापसी का कोई सवाल ही नहीं। लाख तूफान हैं, आफात हैं इस राह के बीच, इश्क वो खेल नहीं जिसे बच्चे खेलें। लेकिन हम दोनों कल के ड्रामे के लिए एक नया आइटम बना रहे थे। आइटम और एटम में थोड़ा ही सफर है मिस्टर मुनव्वर, आपका ये आइटम मेरे लिए आइटम बॉम्ब भी बन सकता है। आप गलत समझे हैं बिस्मिल साहब। आपके नए नए इश्क कसम मुनव्वर साहब, बिस्मिल बेवकूफ कतई नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि मैंने 1500 रुपए माहवार पर आपको स्टेज के लिए मुलाजिम रखा है, लिहाजा आप सिर्फ स्टेज पर रहें, कमरों में घुसने की कोशिश न करें। बिस्मिल साहब, आपने रुपए के बदले में फन खरीदा है, रूह और जिस्म तो नहीं? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप दूसरों की निजी जिंदगी में दखल क्यों देते हैं? अगर मैं आग और पेट्रोल के दरमियान हद ना बनूं, तो ये थिएटर भग से उड़ जाए, दिन दहाड़े दिलों पर डाके पड़े, और हर महीने एक हीरोइन हीरो के जज्बाती डायलॉग सुनकर बीवी बन जाए, और इस बेचारे बिस्मिल को थिएटर की जगह यतीम खाना खोलना पड़े। मिस्टर मुनव्वर और मिस बिजली, आज के बाद आप दोनों स्टेज के अलावा ना आइंदा एक दूसरे से बात करेंगे ना मिलेंगे, ये हमारा फैसला है। मौसम दिल को जलाए, प्यार का मौसम दिल को जलाए, ऐसे में कोई मुझे साथी मिल जाए। मस्ताना हो कोई मेरे जैसा दीवाना, मस्ताना हो कोई मेरे जैसा दीवाना। प्यार का मौसम दिल को जलाए, ऐसे में कोई मुझे साथी मिल जाए। मस्ताना हो कोई मेरे जैसा दीवाना, मस्ताना हो कोई मेरे जैसा दीवाना। मौसम
दिल को जलाए, ऐसे में कोई मुझे साथी मिल जाए। मस्ताना हो कोई मेरे जैसा दीवाना, मस्ताना हो कोई मेरे जैसा दीवाना। छोरो लंबो लंबो हो जा दुआरिया हो, ओ छोरो लंबो लंबो हो जा दुआरिया। आबी जा तेरी है ये मारिया, आबी जा तेरी है ये मारिया। ओ छोरो लंबो लंबो हो जा दुआरिया हो, ओ छोरो लंबो लंबो पाकिस्तानिया। प्यार का मौसम दिल को जलाए, ऐसे में कोई मुझे साथी मिल जाए। मस्ताना हो कोई मेरे जैसा दीवाना, मस्ताना हो कोई मेरे जैसा दीवाना। गोरी ये सच क्यों है मुझसे जुदा, मैं हूँ तुझ पे फिदा। गोरी ये सच, गोरी ये सच, मस्ती भरी ये जिंदगी हर खुशी तुझको दूँ मेरी बाह में आ। क्यों टके अट मेरे माही वाले, तेरे गुत पट सुटांगे मैं हूँ। सरकार कहानी का एंड कैसे? अबे कहीं मेरे हाथ से तुझे एंड ना लग जाए। मेरा मतलब है सरकार थिएटर के लिए कहानी कैसी रहेगी? बहुत ही बेहुदा रहेगी। अगर अच्छी कहानियां लिखने का शौक है तो टहलते हुए कभी काबुल भी चले जाया करो। घर में तो आटे का कनस्तर खाली है, मैं अपना सूट बेचकर चला जाऊँ। क्यों फिर तेरी जेब कट गई क्या? जेब नहीं कटी सरकार, बिजली कट गई। वो कमबख्त उसे ले उड़ा। कौन किसे ले उड़ा? वो हीरो हीरो है ना, हीरो बिजली को टैक्सी में लेकर फरार हो गया। क्या बकवास कर रहा? बकवास नहीं कर रहा सर, आपके फरियादी की कसम सच कह रहा हूँ। दोनों गए बमाए सारे सामान के गए, बकोल शाहिर रह गई बुलबुल, उड़ गया पिंजरा। अगर आइंदा इतना बेहुदा शेर सुनाया तो मैं तुझे पिंजरे में बंद कर दूंगा। बदतमीज, जब से इस थिएटर में आया है हर साल एक लड़की गायब हो जाती है। प्यार प्यार प्यार, ये प्यार है क्या बला? वो प्यार का नहीं पता। अच्छा सुनो, जब बरखा आए, ठंडी हवा चले, बारिश हो, गड़े पड़े, तुम्हें ठंड महसूस होती? बिल्कुल नहीं। अच्छा तो और सुनो, जब बाहर का मौसम आता है, फूल खिलते हैं, फूलों के ऊपर भंवरा मंडराता है, उस वक्त तुम्हारे दिल में यूं यूं हम कुछ नहीं? कुछ नहीं। अच्छा एक बात और है, जब ठंडी उदास शाम रात को गले मिलती है, उस वक्त तुम्हें कुछ महसूस होता है? ओह नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस बिजली, आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ मेरे साथ प्यार की बातें करने के लिए आई हैं या बाग में पसलेटे मारने के लिए? बिजली, तुम्हारे सीने में जज्बात नहीं, बजरी भरी हुई है। मैं तो ये जानता हूँ कि औरत मर्द को हर रूप में चाहती है,
कभी सहरा में दफन हो जाती है, कभी दरिया की मौजों में गुम हो जाती है, और कभी जहर खाकर सो जाती है, और कभी दुख दर्द के पत्थरों में दबकर पत्थर बन जाती है। गुफ्तगू बाकी है या खत्म हो गई? खत्म हो गई। तो फिर समझो कि मुनव्वर की मुलाजमत भी खत्म हो गई। मुजरिम दो हैं और सजा आप एक को दे रहे हैं। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। इस तरह मैं भी अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मुनव्वर की नौकरी खत्म हो गई तो बिजली खुद ब खुद बरतरफ। फिर सोच लो बिजली, क्या कह रही हो? मैं ज्यादा सोच विचार के कायल नहीं हूँ। कहा? मुनव्वर के साथ। मुनव्वर के पास मोहब्बत तो है, लेकिन उसके यहाँ कभी कभी चूल्हा जलता है। तुम रोटियों को तरस जाओगी। यहाँ दौलत है, शोहरत है, हर तरह की आसाइश। कुछ और कहना चाहते हो? आज के लिए इतना ही काफी। तो फिर अपने आलिशान थिएटर में वापस लौट जाओ, क्योंकि मैं बहुत सी आसाइशें देख चुकी हूँ। अब फाके देखना चाहती हूँ। बिजली, खुदा हाफिज। मिस बिजली, आप इज्जत दौलत शोहरत छोड़कर यहाँ आई, इस जज्बे को क्या नाम दूं? इस जज्बे को यकीनन मोहब्बत नहीं कहा जा सकता मुनव्वर साहब। तो फिर क्या है? मैंने सिर्फ बिस्मिल का गुरूर तोड़ा है। गोडे गिटे भी तोड़ दिए, अब क्या इरादा है? चलिए आइए, दुनिया बहुत बड़ी है। अरे क्यों परेशान है? बोलता क्यों नहीं, चुप क्यों है? यार वो मुनव्वर और बिजली पता नहीं कहाँ चले गया, उधर बिस्मिल गर्म हो रहा है। वो बिस्मिल साहब, सैनिक सर, बिजली आ गई। मुनव्वर आ गया? तुम लोगों का सामान कहाँ है? बाजी, हमारा सामान तो एक बाजा ही है। तो फिर अपना बाजा और बाजी को लेके यहाँ से एक सेकंड में निकल जाओ। क्यों मी आना? बकवास बंद करो। लड़की, कंपनी के कपड़े बदलो। मैं मुंह फेरता हूँ, अपने कपड़े पहनो। जरा मुंह ज्यादा देरी उधर रखिएगा, क्योंकि मैंने भी कपड़े उतारने। तुम्हें कपड़े उतारने की जरूरत नहीं, तुम्हारे कपड़े लंडे हैं। सुना नहीं? कपड़े उतारो फौरन। करना सर जी, हम तुम्हारे कपड़े उतार कर ही जाएंगे। हाँ। निकल जाओ यहाँ से 5 सेकंड के अंदर अंदर। ज्यादा गर्म होने की जरूरत नहीं है। मैंने सच कहा है, मेहनतियों को और भांडों को ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए हमने इसको ज्यादा मुंह लगाया। ए मिस्टर, ए सुनते हो? ओ, ये आदमी जो नींद आ रही है। लड़की सो जा। कहाँ सो जा? इसी जगह पड़ी है, सो जा। पता नहीं तेरे मरले ही सोना है। मैं यहाँ तुम्हारे साथ? ए तुम पागल तो नहीं हो गए? उठो उठो, बेशरम। देखो बिजली, मुझे तंग मत करो, अगर सोना है तो पलंग के नीचे सो जा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। आए बिजली, तुम्हारा घंटा तो नहीं निकले? तो देखने तो दो, बात तो सुनो। तो क्या हो गया? ना ना ना, ये सबर। तुम बाहर जो मुझे सोने दो। बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही, मुझे जुकाम हो जाए। मैं तुम्हें नहीं सोने दूंगी। देखो कमरे का किराया तुमने देना। देखो मेरी बात सुनो, तुम सो जाओ, मैं सारी रात बैठ के टहल। मुझे नींद नहीं आएगी। देखो तुम्हें लोरिया दूंगा। नींद नहीं आएगी तो फिर ऐसे करते बिजली, देखो आज दोनों जागते हैं, प्यार की बातें करते हैं, चांदनी रात है, मौसम प्यारा है, हाय हाय होटल का नजारा है, ऊपर से देखो उसे नीचे कितनी रौनक है। मुझे प्यास लगी है, पानी। पानी तो बात यहाँ तक पहुँच गई, मैं अभी जाता हूँ। ए बिजली, ए बिजली उर्फ 440 वोल्ट, ये क्या मजाक का दरवाजा खोलो? भाई ये क्या कर रही हो? बिजली बाहर और उसका मेन स्विच अंदर, भाई दरवाजा खोलो। बेटे तुम्हारी किस्मत में गुसल खाना ही लिखा है, यहीं सो जाओ। अच्छा बिजली, तुम बेड पे सो जाओ और मैं पानी वाले टब में सो जाऊंगा। समझूंगा कि मैं इंसान का बच्चा नहीं, मेंढक का बच्चा हूँ, रात बसर कर लूंगा। तो पत्र अनारा दे, आज दी रात सनम असी बाथरूम विच गुजारांगे। वन सजेशन प्लीज। बोलो, मगर कोई बौंगी ना मारना। क्यों ना हम बिजली की जगह कोई नया हीरोइन तलाश करें? जब तक बिजली बिस्मिल थिएटर में वापस नहीं आती, थिएटर बंद रहेगा और तुम दोनों खुले रहोगे। फिलहाल आप बिजली को तो भूल ही जाइए सर,
मेरा नाम भी जलालुद्दीन बिस्मिल है। मैं उन दोनों को चैन से नहीं रहने दूंगा। बिजली बिस्मिल थिएटर में वापस आएगी, वरना हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मिस बिजली, आज तो यूं लग रहा है जैसे जर्दे की प्लेट कुर्सी पर बैठे। पूरा मजाक। अच्छा, काम की बात सुन। वो क्या? वो ये है कि मैं धनी सेठ का थिएटर बुक कराया हूँ और 2000 रुपए एडवांस दिया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। बिस्मिल साहब ने हमें बहुत बड़ा चैलेंज किया था, हम भीख मांगेंगे, और अल्लाह ने चाहा हमारे पास इतने पैसे होंगे कि हम उनसे रिश्ता मांगेंगे और वो देंगे, और साथ कहने लगे भूखे मरेंगे। अब हम बताएंगे बिस्मिल साहब को कि भूखा कौन मरता है। हम काम करेंगे मुनाफर, अपना मंडवा जमाएंगे। मैं कहता हूँ मिस बिजली, ऐसा जमेगा बगैर फ्रिज के जमेगा और खूब जमेगा। ये क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आती है जब पास को तीसरा आदमी हो तो। माफ कीजिएगा, दिल के हाथों तंग आकर मैं जरा जज्बाती हो गया था, और मैं ये भूल गया था कि आपका मेरा 32 रुपए आठ आने वाला अभी फैसला नहीं हुआ, कभी तो हो जाएगा। दौलत बड़े सख्त ने। बहुत ही आला नस्ल के मुर्गे हो, फूल खाते हो। कहता था कहानी ओरिजिनल है, और वो हमने कल अमृतसर के टेलीविजन से भी देखी थी। सुभान अल्लाह, क्या आपके ऊंचे ख्यालात हैं। टेलीविजन वालों ने एकदम से उसे पिक्चराइज भी कर लिया हो, और आपने हमसे एडवांस भी ले लिया। नीचे आइए ग्राउंड फ्लोर पे। 3 महीने की तनख्वाह नहीं दी आपने, एडवांस पर गुजारा कर रहा हूँ। आपकी तनख्वाह क्या है? 500 रुपया। इसमें से जरा 475 कम करके देखेंगे तो 25 रुपए बचेंगे। बस तो आज से आप 25 रुपए महीने में गुजारा करेंगे। 25 रुपए में गुजारा कैसे होगा सर? जब किसी सरमायेदार को कारोबार में घाटा होता है तो वो इसी तरह अपने स्टाफ पे मेहरबान हो जाता है। आज से आप सिर्फ 25 रुपए महीना लेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप कोई नई गजल लिखें और हाथ में प्याला लेके भीख मांगते फिरें और हमारे थिएटर को बदनाम करें। पीछे। सर माय डायरेक्टर, आपकी तनख्वाह 2000। थिएटर रोज बरोज नीचे जा रहा है और आपकी मूछें ऊपर की तरफ जा रही हैं। 2000 में से 1800 जरा कम करके देखें क्या बचा। 200। आज से आप सिर्फ 200 रुपीज पर मंथ में गुजारा करेंगे, और वो भी इसलिए कि हमने अपने बावर्ची को निकाल दिया है। आज से आप बावर्ची खाने का चार्ज लेंगे। हम नहीं चाहते कि आप इंग्लैंड जाकर थिएटर में झाड़ू दें, हमारी इज्जत का सवाल है। जी 1007 हाजिर है सर। आप भी बिल्कुल सही टाइम पर आए। आपकी तनख्वाह? तनख्वाह 1000 सर। 1000, हाथ पीछे करो। और 1000 वो जो खिड़की पे ब्लैक टिकटों की किया करते थे सर, अच्छी रकम थी। आज से आपकी अंदर की तनख्वाह बंद और खिड़की की तनख्वाह से गुजारा करें। अरे मगर खिड़की तो मिस बिजली के जाने की वजह से पहले ही से बंद है। आप एक बंदरिया खरीदिए और 4 आने टिकट लगाइए और जिंदगी के दिन ऐश से गुजारिए। हमारे लिए कोई बेहुदा खबर लेकर आए हो? यस सर, मुनव्वर ने वीनस थिएटर एक हफ्ते के लिए किराए पे ले लिया। मुनव्वर? वीनस थिएटर? जी हाँ, और मुनव्वर और बिजली अपने फन के कमाल दिखाने की तैयारियां कर रहे हैं। मुनव्वर और बिजली वीनस थिएटर? वीनस थिएटर धनी राम का है। जी हाँ, धनी राम का नहीं, धनी बख्श का है, और वो आपका दोस्त भी। धनी बख्श? यस आई नो हिम, मेरा दोस्त। और खुशी की बात यह है कि वो घटिया भी। 20,000? 20,000? My goodness! मुंशी जी, चीफ एग्रीमेंट कैंसर किसका? मुनव्वर का। एग्रीमेंट बिस्तर सेठ के नाम बनेगा। अरे मुनव्वर को भूल जाओ, एकदम नीचे निकाल दो, निकाल दिया। जब एग्रीमेंट साइन हो जाए तो मुझे भेज दीजिएगा, ज्यादा रखेगी कागज का है फट जाएगा। बराबर, बिल्कुल बराबर। बिस्मिल साहब तो नेशनल थिएटर बिस्मिल साहब ने बुक कर लिया। जी हाँ। तुम्हें चिड़ियाघर वालों ने बुक क्यों नहीं किया? क्यों? तुम्हारी शक्ल बिल्कुल बंदर जैसी है। क्यों? तो कौमी थिएटर भी बिस्मिल साहब ने बुक कर लिया। जी बहुत अच्छा।
बिस्मिल साहब का रात का नहीं फिर है मिस्टर मुनवरा बहुत देर से आए। ये थिएटर बिस्मिल साहब में चलता है। बिस्मिल साहब लानत है उसकी जिंदगी पर। जली कमीना अभी तक बाप की कब्र के लिए संगमरमर तो खरीद नहीं सका और सारे थिएटर खरीद दिए। अच्छा सेठ साहब सलाम अलैकुम। समागम के चले 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 चार आने के ले दे ना दो आने के ले दे ला निकाल दो आने। मेरे पास कहाँ से आए तू मुझे भूखा मारने के लिए लेकर आया था। ओ यार लाया तो किसी और काम के लिए था लेकिन क्या करूँ भूख पल्ले पड़ गई। मैं तो भूख से मरी जा रही हूँ। देखो दो आने के छोले नसीबों में नहीं है। हौसला करना खुदा का वास्ता इस भूख को मोहब्बत पे गालिब ना आने देना। अरे तेरी मोहब्बत का बेड़ा गर्क हो तेरा सत्यानाश हो। अरे मैं तो मर रही हूँ भूख से। हाय भूख देख नन्हे भूख से मेरी आंखें छोटी हो गई है। हाय छोटी हो गई हाँ। आंखों में पैर गिल्ला करके पाँव ठीक हो जाएंगे। देख देख क्या मुझे तेरा चेहरा जो है ना वो रोटी नजर आ रहा है। हाँ और तेरा नाक जो है ना वैसे जैसे रोटी के ऊपर फूटी पड़ी है। नाजो इस भूख का गला घूंट दे नाजो जिससे आशिक का चेहरा कुलचा नजर आने लगे। देख नाजो तू नन्हे से मोहब्बत करती है किसी कंटीन मैनेजर से। अरे परे तो कहो। हाय नन्हे मैं तो मर गई हूँ भूख से मेरा कलेजा एंट रहा है। नाजो इस दम को घूंट लेगी। कलेजा तो नाजो मेरा भी एंट रहा है। जीवे जवानी बाबा ए दुनिया पानी बाबा फिर जीवे जवानी बाबा बाबा ए दुनिया पानी बाबा फिर जीवे जवानी बाबा नाप रहे हैं सड़कें भूख मारे हम बेचारे नाप रहे हैं सड़कें। आज पानी रोटी दे दो भूख से दो दिल भर के बच्चियां वाले भाइयो साड़ी सुन लो फरियाद बच्चियां वाले भाइयो साड़ी सुन लो फरियाद दुनिया पानी बाबा फिर जीवे जवानी बाबा कांटा बन गए हाल हुआ है पतला सूख दोनों कांटा बन गए हाल हुआ है पतला। हुस्न हुआ है मेला मेरा रंग हुआ है पीला बच्चियां वाले भाइयों साड़ी सुन लो फरियाद।
फरियाद बचिया वालिया आइयो साडी सुनियो फरियाद तेरे रहे मौला दे वही जगत तू ज्यादा ऊपर वाली चाहे वादो बाबा ये दुनिया पानी बाबा तेरे दिए जवानी बाबा अरे सारे लोग मुजरे ते लगे ने जिन्ना चर नचेंगी नहीं भुखी मर जाएंगी उठ कोई ठुमका ला ते दिल बहला मार ठुमके ते ठुमका गोरी ये नी तेरी दिवे जवानी हाय नी मार ठुमके ते ठुमका मार ठुमके ते ठुमका गोरी ये नी तेरी दिवे जवानी हाय नी मार ठुमके ते ठुमका नाजो आहिस्ता खाओ खाना बहुत है तेरी बहन भूख भी कम नहीं पेट भी कम नहीं रोको मत खाने दो ना। अच्छा बाबा जी भर के खाओ मुनव्वर सुबह से गए थे कोई बात बनी हाँ काम बन जाएगा वैसे बिस्मिल अपना काम दिखा रहा है उसने शहर के सारे थिएटर बुक कर लिए बिस्मिल को भी अपनी हसरत पूरी करने दो अरे उस जलील आदमी को अपने घर ना घुसने देना हाँ उसने इसके कपड़े उतरवा दिए थे ईमान से तुम बकवास कर रही हो मेरे कपड़े उतारने से उसको क्या फायदा होगा कपड़े तो तेरे उतरवाए थे तेरे कपड़े कीमती थे तेरे कपड़े भी तो उतरवाए थे उसने क्या कहा था कि मेरे मैंने तो उतारे नहीं वो तो है जलील आदमी उसका बेड़ा ही गरक हो गया हाँ ये बात तो सही वो वाकई बहुत जलील आदमी है मिस बिजली अगर वो शहर के सारे थिएटर भी बुक कर लेना तो हमें शो करने से नहीं रोक सकता हम ऐसा करेंगे मैंने एक तरकीब सोची है कि आर्ट्स काउंसिल में हम आमामी स्टेज पर अपना प्रोग्राम पेश करेंगे कैसी बात है एकदम राइट तो बस ठीक मेरा ख्याल है ये बिस्मिल की शरारत है अब क्या होगा क्या होगा हंगामा होगा गड़बड़ होगी हुल्लड़बाजी होगी लेकिन ये शो मारेंगे अब देख रहा हूँ जूते मारेंगे कुर्सियां टूट जाएंगी आ जाओ अच्छा खासा शो स्टॉप रहा है मेरा दिल चाहता है कि मैं इसको चाकू मार दूँ अन्य चाकू खरीदने के लिए तुम्हें वजीराबाद जाना पड़ेगा हाँ ये तो है तो कोशिश करो तुम्हारा पाउंस पर आ जाए बिल्कुल ठीक है मैं तुझे कह रहा हूँ मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा कातिल मत बनो
जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है खुद भी सुकून से नहीं रहता। छोड़ूंगा नहीं। और फिर रोटी रिस्क तो खुदा के हाथ में है नन्ने भाई। अगर तुम दोनों पीस यही कहते हो तो फिर मुझे भी पीस से रहना पड़ेगा। आइए शेर धनी बख्श साहब तशरीफ लाइए। आइए आइए। कैसे मिजाज आप? अल्लाह का शुक्र है दुआ है। चिड़े यहाँ से चला जा वरना जूता मार के सर गंजा कर। खुदा की कसम मैं बता रहा हूँ ईमान से आपको गलत फहमी हुई है। उसने तो हम लोगों के साथ भी धोखा किया है। अगर मेरे को मालूम होता ना वो चीटिंग करेगा तो खुदा की कसम बस मैं आपको क्या बताऊँ। अभी एक बार माफी दे दीजिए ईमान से। उसने हमारा बेड़ा गलत कर दिया। चौंसा ठीक बोलता है और उसने पैसे भी हमसे छीन लिया है। बहुत अच्छा किया तुम लोग इसी काबिल हो। आप भी यही बोल रही हैं। खुदा की कसम हम लोगों का तो बेड़ा गलत हो गया है। बिल्कुल सत्यानाश हो गया है ईमान से। एक बार माफी दे दो उसके। और तुम एडवांस नहीं लूंगा खुदा की कसम। एक पैसा एडवांस नहीं देना और थिएटर ले। रेशम के कीड़े नहीं चाहिए हमें तुम्हारा थिएटर। क्या दबा दो खुदा की कसम ईमान से। मैं आपको बता रहा हूँ ईमान से हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। कुछ भी नहीं रहेगा हम लोगों का। नहीं थिएटर रहेगा नहीं काम करने वाला रहेगा। रोता क्यों नहीं है? अच्छा चलो मुनव्वर माफ कर दो। देखो कितनी बुरी तरह रो रहे हैं। वैसे रो रहे जैसे इनका बच्चा फौत हो गया। अल्लाह रहम साहब हम आपके थिएटर में काम करेंगे। जाइए शेव करवाइए। थैंक यू वेरी मच। ओके खुदा की कसम हम लोग तो आपकी खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं। आप क्या करोगे? किस चीज की जरूरत होगी ये कहा है? कोई जरूरत ही नहीं है इसे घबराने की। फिक्र करने से ये है कि दो गिलास ठंडे पानी हम पी जल्दी जल्दी से दो गिलास ठंडा पानी मिलते हैं मनोहर के। ये बेहोशी की दवा उनके पानी में डाल दें। ओके सर। हो गए लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट में इतनी ब्रेक होगी कि मजा आ जाएगा। पानी अरे हाँ ये लीजिए। कवासीन हजरात आपके महबूब और पसंदीदा फनकार ये हैं मिस्टर मुनव्वर। और ये एक जबरदस्त हंगामा खेल आपकी महबूब फनकारा स्टेज की कोई खामोश। मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। मुझे मालूम था कि इन लोग के करतूत ऐसे ही हैं। ये लोग यही गड़बड़ करेंगे। मैंने इसका अल्टरनेट रखा है। एक बिजली नहीं पूरा पावर हाउस। तो मुलाजा फरमाइए एक हसर कयामत 90 मील यानी 90 मील फी घंटे की रफ्तार से तूफान आ रहा है। मिस पावर हाउस। Thank you.
गया है मुनव्वर? यही सोच रहा हूँ बिजली, बात ऐसी हो गई है कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ये शहर छोड़ के कहीं और चले चलो। अपने चेहरे से झूठी बदनामी का दाग मिटाए बगैर हम कहीं नहीं जा सकते। बहुत मुश्किल है मुनव्वर, फन सरमाए से नहीं जीत सकता। मेरे हिम्मत से काम लो, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी और फिर किसी दूसरे शहर जाना हमारे लिए आसान काम नहीं है। इसी उम्मीद पर शो होगा, आमदनी होगी, कर्जे उतरेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हमें पैसे अभी चाहिए। जी जान, मैंने पहले भी अर्ज किया है, मेरे पास पैसे इस वक्त नहीं है। खुदा के लिए जाइए, माफ कीजिए। असी को खरात लेनी है, असी अपने खून पसीने की कमाई दे पैसे लेने आए हैं। ये आलीशान फर्नीचर बेचो, जेवरात बेचो, अपने पैसे। हमें पैसे दो, चार बिजली को बेचो। खामोश। आगे एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। आप बुजुर्ग हैं इसलिए मैंने आपका लिहाज किया है। तशरीफ ले जाइए, पैसे मिल जाएंगे। कब मिलेंगे जी? कल सुबह। न मिले तो? ना मिले तो बात कीजिएगा। चलो फिर चलिए, कल आके पैसे ले जाने। चलो। नवर, वो हमने पता कर लिया, तुम्हें बेहोशी की दवा बिस्मिल के कहने पे पिलाई गई थी। हाँ। हमने भी उसे वो मारा का सारी जिंदगी याद करी। मैंने भी मुंशी को बहुत मारा। खैर छोड़ो इन बातों को नन्ने। हाँ। आज फिर कर्ज खा आए थे। फिर? मैंने कल का वादा कर लिया। यार मुनव्वर, 5,000 की रकम हम इतनी जल्दी कैसे अदा कर देंगे? सारे घर का सामान बेचकर। नहीं नहीं मुनव्वर, ये नहीं हो सकता। नन्ने भाई, हमें इज्जत बचाने के लिए ऐसा करना है। बिस्मिल साहब, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। बिस्मिल साहब, मैं आपके ओछे हथकंडों की वजह पूछ सकती हूँ? और क्या ये ओछापन नहीं कि बरसों के ताल्लुकात पल भर में तोड़ दिए जाएं? मैं किसी भी तौर पर आपकी पाबंद नहीं थी। ये अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले उस दिन को याद करो जब बेवा माँ की अचानक मौत के बाद तुम इस दुनिया में अकेली रह गई थी। उस वक्त तुम्हारे खूबसूरत जिस्म को दरिंदों से किसने बचाया था? वो बिस्मिल था या कोई और? मुझे इसका इकरार है। तो फिर ये भी इकरार कीजिए कि ये हसीन बुत इसी बिस्मिल ने तराशा था। और ये भी इकरार कीजिए कि दुनिया भर की आसाइशें इसी बिस्मिल ने मुहैया की थी। मुझे सब याद है। तो फिर ये भी याद होगा कि इस कमजार बिस्मिल ने आपकी मजबूरियों के बावजूद आपको कभी मैली नजर से नहीं देखा था, सिर्फ इसलिए कि वो आपसे मोहब्बत करता था। खामोश मोहब्बत जिसका इजहार कभी नहीं किया गया। दिल के मामले में जबरदस्ती नहीं चलती बिस्मिल साहब। मैं जानता हूँ। बोलिए, मेरे लिए क्या हुक्म है? मुनव्वर की बर्बादी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। तो गोया मुनव्वर को दोबारा शाद और आबाद देखना चाहती हैं? हाँ। तो फिर मुनव्वर को छोड़कर हमेशा के लिए थिएटर में वापस आ जाए। और आपसे मोहब्बत शुरू कर दूं? दिल के मामले में जबरदस्ती नहीं चलती मिस बिजली। मैं आपका दिल तो नहीं जीत सका, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी होगा कि आप मेरी नजर के सामने तो पहुंचे। कहिए क्या फैसला किया आपने? ये तुमने क्या किया है मुनव्वर? दुख हद से बढ़ जाए तो भी अच्छे लोग गंदी चीज का सहारा नहीं लेते। बिजली, अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरा दिमाग फट जाना था। गम एक हो तो दिल बर्दाश्त कर लेता है। बिजली, मुझे शोहरत मिली बर्बाद हो गई, दौलत मिली तबाह हो गई। अब दुनिया में सिर्फ इज्जत सबसे ज्यादा अच्छी होती है ना, बस वो भी कल कर्ज खाओ के हाथों बर्बाद हो जाएगी।
बिजली से बर्बाद हो जाएगा। मुनव्वर को दोबारा शाद व आबाद देखना चाहती हैं तो फिर मुनव्वर को छोड़कर हमेशा के लिए थिएटर में वापस आ जाए। मुनव्वर को छोड़कर आ गई तुम स्मिथ साहब। तुमने बहुत अच्छा किया बिजली। अब हम तुमसे अपना वादा पूरा करेंगे। मैं मुनव्वर को शोहरत के उस मकाम से भी आगे ले जाऊंगा जहां वो पहले था। तुम्हारी बेहतरी के लिए जो बिस्मिल सोच सकता है वो कोई और नहीं सोच सकता। सेक्रेटरी, यस सर, मेरे साथ चलो। चलो हमारे पैसे दो। अरे ओए जैसी नक्सल, बाहर आ जाओ। छपनी से गुजरनी होगा भाई, हजार मेहरबानी करी। चुप कर जाओ, मैं बाहर कर और गोल करते। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें शरीफ लोगों के घरों में बैठने की तमीज नहीं? तुम शरीफ हो? हाँ, ये एक फनकार का घर है। ये सिर्फ एक कर्जदार का घर है। 5 मिनट के अंदर रकम न मिली तुम बाहर हो गए और तुम्हारा सामान मेरे साथ बाहर होगा। और सूफी साहब जाओ जाके करे जनाजा पढ़ाओ। कितों आ गए तुझे? मेरे ना कालकार बुढ़े ना की लगे। जे तू रखना ना दे रहा तो तू अंदर हो जाएगा। अंदर तो पुत्र मैं तोड़े खुने पार गई होवांगा। जे तू खुने पार रहता है पुलिस इत्थे आ जाएगी। मुछा ली पला के पुलिस इत्थे आ जाएगी। खटमल तेरा मार देगा तेनू। मुनव्वर साहब कहाँ? क्या बात है? बिगड़ देंगे आप। मैं तो बिस्मिल साहब की तरफ से ये 5,000 रुपए और ये एग्रीमेंट फॉर्म लेके आया। इसलिए? इसलिए कि बिस्मिल साहब चाहते हैं कि मुनव्वर साहब दोबारा उनके थिएटर को इज्जत बख्शे। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? रख लेना, जरूरत है। जाओ, मुनव्वर काम करेगा। गुड, वेरी गुड। तो मैं ये खुशखबरी बिस्मिल साहब को अभी जाकर सुना देता हूँ। गुड बॉस। कुछ लोग होते हैं जलील और कुछ होते हैं महाजलील। कहिए आप वो हैं? जी हाँ, जी हाँ। आपके नजदीक इंसान की कोई इज्जत नहीं, सिर्फ नोटों की इज्जत। जैसे कुत्ते को हड्डी अजीज होती है, इसी तरह आपको नोट अजीज है। कहिए हाँ, जी हाँ। कितनी रकम है आप लोगों की? 5,000। ये 5,000 रुपया और यहां से दफा हो जाओ। मिस बिजली चली गई है। चली गई? मैं जा रही हूँ मुनव्वर, मुझे गुर्बत और गुमनामी की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। यह है मिस बिजली का असल रूप और यह है मिस्टर बिस्मिल का असल रूप। थिएटर में दोबारा नौकरी का मुआहदा 5,000 रुपए कर्जखाहों को अदा करना। ये तुमने क्या कहना? इज्जत बचाने का यही एक रास्ता था, सो मैंने कर दिया। ठीक है, अब मैं बिस्मिल का मकरूज हूं। आखिरी बार उसके थिएटर में काम जरूर करूंगा। Thank you.
संभल अब चल निकल तू इस जहां से, तेरी सुनी हो गई दुनिया चल तू दूर यहां से। दिल संभल अब चल निकल तू इस जहां से, तेरी सुनी हो गई दुनिया चल तू दूर यहां से। जहां से तेरी सुनी हो गई दुनिया चल तो दूर यहां से। मोहब्बत की भूख तुझे इस गंदी बस्ती में खींच लाई थी, सो
सोने चांदी के बुतों को पूजने वालों की खातिर तूने माँ का दिल तोड़ा, बाप का सुकून बर्बाद किया। तुझे भी सुकून नहीं मिलना चाहिए, तुझे भी सुकून नहीं मिलना चाहिए। वो अब टूटे हुए शीशे की तरह बिखर चुका है, अब इस चेहरे पर मुस्कुराहट की कोई जरूरत नहीं। तुझे हुए वक्त की ये यादें जब मेरे सामने आएंगी तो मुझे नाक बनकर डसेंगी। मैं इन सबको मिटा डालूंगा। बहुत सी ठोकरें खाने के बाद अब मुझे एहसास हुआ है इस दुनिया में कोई सच्चा रिश्ता नहीं। अगर सच्चा रिश्ता है तो बंदे का खुदा से और औलाद का मां से, बाकी सब झूठ है। नहीं, नहीं, मैं अपने आप को फरेब नहीं दे सकती। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, वो मुझे चाहता है। हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, मैं उसके पास जाऊंगी। कहाँ जा रही हो बिजली? मुनव्वर के पास। सोच लो मुनव्वर का मुस्तकबिल और शोहरत। दिल का चैन खोकर दौलत और शोहरत मिले तो उस पर 100 बार लानत है बिस्मिल साहब। एक नहीं, लाख दीवारें खड़ी कर दो, मगर मैं रुकूंगी फिर भी नहीं। वो मेरी जिंदगी है, मैं उसके पास वापस जाऊंगी। चली जाओ, लेकिन बहुत जल्द वापस आओगी। नाजो, मुनव्वर कहाँ है? जी मुझे नहीं पता। हाँ आप बताएं। माफी चाहता हूँ बिजली, तुमने मुनव्वर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैंने जो कुछ किया है ये खुदा जानता है। मैं वापस आ गई हूँ। मुनव्वर, मुनव्वर, मैं आ गई हूँ। क्या बात है, तुम दोनों खामोश क्यों हो? अब तुम्हारे आने का क्या फर्क? मुनव्वर यहाँ से जा चुका है। क्या किया है मुनव्वर? कुछ सब्र तो किया होता। मैंने जो कुछ किया है तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है। देखो तुम्हारा बेटा वापस आ गया। बड़ा आदमी कहो मुनव्वर की माँ, और मैं बड़े आदमियों से मिलना पसंद नहीं करता। सारी जिंदगी पत्थर ही बने रहोगे? एक बार इसकी तरफ देख तो लो। इस बड़े आदमी के चेहरे पर निदामत, आंखों में आंसू और जिस्म पर वही पुराना लिबास। बच्चों से गलती हो ही जाती है, तुम किस किस्म के बाप हो के बच्चे की गलती को माफ नहीं कर सकते? सिर्फ एक बार अपने लगते जिगर की तरफ देख लो, उसके बाद जो चाहे फैसला करना। मेरे बच्चे मुनव्वर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। जीते रहो बेटे, जीते रहो। माँ, ये शहर हम दोनों को रास नहीं आया, इसलिए हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। और हाँ, कपड़े और जेवरात पसंद कर लीजिए। मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। आपकी जरूरियात का मुझे बखूबी अंदाजा है। आप अनकरीब दुल्हन बनने वाली। मैं इस अंदाज का मजाक बिल्कुल नहीं पसंद करती। मिस बिजली, क्योंकि आप खतरनाक हद तक जज्बाती हैं, इसलिए हमारी और आपकी जहनी उलझनों का मुश्तरका इलाज शादी है, सिर्फ शादी। शादी मेरी मर्जी के खिलाफ तो नहीं हो सकती। यहाँ वही होगा जो हम चाहें। नामुमकिन है बिस्मिल साहब। बिजली, इसमें 6 राउंड हैं और मैं जिंदगी से बेजार हो चुका हूँ। अगर मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी कदम उठा तो पहले मुनव्वर खत्म होगा, फिर तुम, और उसके बाद बाकी गोलियां मैं अपने सीने में उतार लूंगा। शादी दूसरे शहर में होगी। पहले तो यहाँ दीवार नहीं। अंकल सलाम। तो फिर आ गया खराब? जी नहीं, अब मैं खाना खराब नहीं, अब तो मैं खाना आबाद हूँ। ये आपकी बहू है, बल्कि हू बहू है। बहू है? जी हाँ। तो यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ मेरे बच्चों, अंदर ले जाओ। कमरे की चाबी दे दीजिए। बकवास बंद। इसमें
शादी रचाने के लिए तुम्हारे लिए यही शहर रह गया था क्या? यही शहर रह गया था। को भी अपनाया है फूलों की तरह, फैसला जरा मुश्किल है, कांटे हमारे हैं कि फूल। मिस्टर मनोवर, हमें तुम्हारी आमद का पूरा यकीन था और हमें यह भी मालूम था कि तुम आओगे तो खाली हाथ नहीं आओगे। उधर देख, अगर तुम्हारी बंदूक मेरी मौत बनी तो मौत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। बिस्मिल, जो घर से मरने के लिए निकलता है वो दुश्मन की तादाद नहीं गिनता। फिर सोच क्या रहे हो, गोली क्यों नहीं चला?
अकबर साहेब। बिस्मिल, मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन चेहरा तुम्हारे सर तक भी नहीं पहुंचने दूंगा। अब तो जो कुछ होगा तेरी आंखों के सामने होगा। मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, मुनावर साहब को छोड़ दिया जाए। ओ, मैं समझा, मोहब्बत करने वाले खुद तो मरना जानते हैं लेकिन अपने महबूब को मरता नहीं देख सकते। अब मैं देखता हूँ तुम कैसे शादी नहीं करोगी। अगर तुमने इनकार किया तो ये गोली तुम्हारे महबूब के सर को फाड़ती हुई निकल जाएगी। नहीं, नहीं, नहीं। कभी नहीं हो सकता। बिस्मिल साहब, रहम कीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मुनावर को जिंदा रहने दीजिए, जिंदा रहने दीजिए। समीना उर्फ बिजली बिन शेख नसीर, तुम्हें बिल एवज 25,000 रुपए महार महाजन मुनवर जलाल खलीफ अनवर जलाल के अकद में दिया जाता है, तुम्हें कबूल है? बिस्मिल साहब, बिस्मिल साहब, खुश तो हो? बिस्मिल तो तुम लोगों को आजमा रहा था, बिस्मिल ने छीनना नहीं बख्शना सीखा। अली साहब, शुरू कर दी। ठहरो, शादी नहीं होगी, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम लोगों ने मेरा सुकून लूट लिया, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तो आपके बेटे का घर आबाद हो रहा है जनाब। कौमार, एक नाचने वाली मेरी बहू नहीं हो सकती, वो किसी शरीफ घर में जाने के काबिल नहीं। शराफत किसी एक घर की मीरास नहीं होती बड़े साहब, शराफत उजले कपड़ों और रोशन चेहरों की जागीर भी नहीं है। शराफत उन गंदी गलियों में पलती है जहाँ से गुजरते हुए आप जैसे शरीफों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। मैं कहता हूँ ये भी आप ही की तरह शरीफ। दुनिया ये नहीं कहेगी। दुनिया से डर के दिलों की दुनिया न उजाड़िए बड़े साहब, वरना दो इंसानों का खून आपके सर होगा। बदनामी की जिंदगी से मौत बेहतर। तो फिर इसने एक काम में देर क्यों कर रहे हैं? अपनी कीमती बंदूक से दो गोलियां खर्च कीजिए और मिटा दीजिए अपने बेटे की जिंदगी। बुराई को मिटाने का यही तरीका। मुनव्वर हाजिर है अब्बा जान, बुझा दीजिए अपने खानदान के आखिरी शराब। चला गोली। उसकी माँ रुक सुनिया, जब मेरा बेटा उसे पसंद करता है तो ये जो कुछ भी है मैं इसे अपनी बहू बना के रहूंगी। हट जाओ मुनव्वर की माँ, तो भी अपने बेटे की तरह पागल हो गई। मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होगा मुनव्वर के अब्बा, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारा हुक्म माना लेकिन इस वक्त तुम्हारी बेटा जिसके सामने मैं अपना सर नहीं झुकाऊंगी। तुम मेरे बेटे की जिंदगी और उसकी मोहब्बत को बर्बाद नहीं कर सकते। मुनव्वर की शादी बिजली से हो। क्या तुम्हारा ये फैसला आखिरी फैसला? आखिरी और आखिर। जब सब लोग राजी तो ये काजी क्या करेगा? काजी अब्बा, बिजली इधर पढ़ाइए काजी साहब। एक मिनट ठहरिए बड़े साहब। माँ जी, ये रही तिजोरी की चाबियां, इसे बिजली का जहर समझे। अच्छा बिजली, खुश रहो, आबाद रहो, हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं बिस्मिल साहब? दुनिया बहुत बड़ी है नन्ना साहब, फिर कोई बिजली तलाश करेंगे, फिर कोई मुनव्वर उसे ले जाएगा तो कहीं और चले जाएंगे। अल्लाह ने करम कर दिया है, हम दोनों की सुन ली है। अब मुझे ये बताओ, हनीमून मनाने के लिए एबटाबाद चलना है, सवार चलना है?